यन्नाम श्रुतिमात्रेण उमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद क्यों वा दासानाम अवशिष्यते। जिसके नाम श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है, तस्य तीर्थ पद। तारस भगवान के जो साक्षात शिष्य हैं, दास हैं, भक्त हैं, उनके लिए तो और कहना ही क्या रह गया है, किम वा अवशिष्यते। राजन अनुग्रहीतो अहम् त्वयाति करुणात्मना मजगम पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मे अभिरक्षिताः। हे राजन, अरे अम्बरीश, अनुग्रहीतो अहम् त्वयाति करुणात्मना, महान करुणामय सर्व आप जो है अम्बरीश के द्वारा मैं अनुग्रहीत हो गया हूं। तो जब तक अहंकार थे तब तक तंग था, अहंकार को त्याग दिया, अम्बरीश के चरण को पकड़ने लगा, सारा काम हो गया। एकमात्र अहंकार है जो सभी के काम में आड़े में आता है। अहंकार रहित हो जाओ, सब काम सिद्ध हो जाता है, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कहीं भी जाओ, कुछ भी चाहो, सब काम हो जाता है। इनका एक शर्त यही है, अहंकार रहित होना, यही सबसे बड़ी समस्या। लेकिन अहंकार है तो कोई नहीं होना चाहता। जहां भी जाएगा, किसी ऑफिस में पहुंचेगा, जानते हो मैं कौन हूं, सीधा हम कहा बोलो साहब को, और पहचान पत्र निकालेगा, है दो जाओ साहब को दो, और साहब जी बगल में रख दिया, उस पर नाराज होंगे, तुमने दिया नहीं, तुम खबर नहीं, तुम गद्दार हो, तुम पैसा खाना चाहते हो, अहंकार है ना, तो सारे गड़बड़ी हो जाते। और ये बात ही नहीं होता, हम साधारण आदमी हैं, साहब से मिलना चाहते हैं, तुम चाय पानी ले लेना 5-10 रुपए, छोड़ देना, तो तुरंत छोड़ देगा, पूछने भी नहीं जाएगा, गए आइए साथ में, सीधे चलिए, सीधा अंदर ले जाएगा। कि निरहंकार होने, अरे आप महान है बोल दो, बस काम पूरा हो जाता है। मैं महान बोलोगे फिर टकराव हो जाता है। तुम अपने जोर मानो हो, हम तो इस समय अधिकार में है, हम अंदर नहीं छोड़ेंगे तुमको। अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति महान होता है, इसी कारण से यहां पर जो है ये पूरी कथा में बता रहे हैं कि अहंकार को जिस क्षण त्यागा उसके बाद अम्बरीश का सारा काम हो गया, और अम्बरीश के जो है दुर्वास का सारा काम अम्बरीश के द्वारा संपन्न हो गया। दास बार बार आ रहे हैं। हाँ, दास मैंने सब कुछ दे दिया, दास है, दासरी दाने धातु है, दास्यते सर्वम, ये न सब सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को, जो वही दास है जो सब कुछ अर्पण कर दे, और जो भगवान ही हो जाओ तो स्वामी है। यही स्वामी और दास है फर्क, ज्ञानी पुरुष और दास में इतना फर्क है। नहीं, ज्ञानी होता हो भी दास बने रह सकता है, क्या दिक्कत है भाई। एक तो दो तरह का है ना ज्ञान का तात्पर्य, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति वाला नहीं लेना, आपकी ज्ञानी शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा ना इसलिए फिर। हाँ, ज्ञानी से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हो तो गलत है, वो कभी दास नहीं हो सकता, वो तो खुद ब्रह्म हो गया, और किसका दास बनेगा वो, ब्रह्म किसी का दास बनेगा क्या, ब्रह्मित ब्रह्म ही बहुत ही, वो किसको समर्पण होगा, किसको समर्पित होगा अपने आप को, कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान काल पर्यंत ही सारी व्यवस्था दासी दास भाव का। मदघम पृष्ठतः कृत्वा, मेरे तरह के पाप को आपने पीछे कर दिया, और प्राणायन में भी रक्षिता, मेरे सकल प्राणों को आपने सम्यक प्रकार से रक्षा किया है। इसे हम उधर दूसरे तरह अर्थ ले रहे थे, जो कल का जो श्लोक था ना, कृतागसोपि यदराजन मंगलानी समीय से, उसको हम दूसरे ढंग से, क्योंकि आगे ये बात आ ही रही है, नहीं तो यहाँ क्या कहना पड़ेगा इसको, उसका व्याख्या करनी पड़ेगी। कृतागसोपि यदराजन मंगलानी समीय से, उसी की व्याख्या ये है, मदगम पृष्ठ तक कृत्वा प्राणायन में अभिरक्षिता, उसकी व्याख्या माननी पड़ेगी।
खुद पर दोष नहीं रहे हो। हाँ, खुद पर दोष है तो उसका भी मैंने पहले को उस तरफ लिया ना, क्यों यहाँ मदगम प्रश्न तो बोल दिया ना, यहाँ पर यहाँ खुद पर पाप ले रहे, मेरे पाप को तुमने पीछा कर दिया, मैंने नगण्य कर दिया और मेरे प्राणों की रक्षा कर दी, ये कही रहे हैं यहाँ पर आगे सुस्पष्ट रूपेण कथन कर रहे हैं। राजा तम अकृताहार प्रत्येक आम आगमन आकांक्षया चरण उपसंग्रीय प्रसाद्य समभोजयत। राजा अकृत आहार, राजा कैसा है, अभी भी आहार नहीं किया है, अकृत आहार, कितना समय लगा होगा पता नहीं है, एक बरस, कहां एक बरस कहां से लिया है एक बरस जबरदस्ती है, वो आगे दूसरी बात कहेंगे, आगे एक और बात आएगी, एक साल की बात आ रही है आगे, यहां एक साल नहीं आगे आ रहा है वो कथा में एक साल का, ये चला गया दुर्वासा, चले जाके आने तक वह अनाहारी था, वो एक साल करके आगे में श्लोक आ रहा है उसके आधार पर, यहां नहीं बोला है आगे कहेंगे। प्रत्यागमन आकांक्षया, प्रत्यागमन की आकांक्षा के द्वारा अकृत आहार होकर के राजा बैठा हुआ था, इसे चरणों उपसंग्रह, अब दुर्वास के चरणों में अमरीश पड़ गया उल्टा, अरे दुर्वास आगे अमरीश ही चरण पकड़ रहे थे, अब अमरीश जो दुर्वास चरण पकड़ के निवेदन करता है, आप प्रसन्न होइए, आपके तो मैं इंतजार करते करते एक साल बीत गया है, आप कृपया भोजन कीजिए, उत्तरान्वय करके बोल रहे हैं, आगे आ रहे हैं ना बात, उसके साथ अन्वय करते हुए कहना पड़ता है, एक साल बाद वो आए हुए, तब तक वो निराहार ही था, अब भक्ष ही था, केवल जल भक्षण करके एक साल तक चला, क्योंकि आगे श्लोक संख्या में बताऊं, संवत्सर 33वें श्लोक में कहेंगे सुखदेव महाराज, संवत्सरोत्यगत्तावत यावदान नागतो गतः मुनिस्तद् दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। 33 और मैं क्या बोला, ओ 33 बोल दिया, गलत बोल दिया, 23 नंबर है, गलत बोला, 23वें श्लोक में है, उसको लेकर के कह दिया जाता है पूर्व में अन्वय करना पड़ता है, क्योंकि यहां अन्वय हुआ ही नहीं उस बात को कहे बिना, या तो श्लोक को यहां रखनी चाहिए बीच शीर्षक को वाचक, तो चरण उपसंग्रह प्रसाद समभोजय, चरणों में पड़ गया और प्रसन्न करके उनको भोजन पढ़ के लाया, और दुर्वास से जो भोजन कैसे किए वर्णन कर रहे हैं, स्वशित्वा आदृतम आनीतम आतिथ्यम सार्वकामिकम तृप्तात्ताम तृपतिम प्राह भुज्यताम विति साधरम। स्वशित्वा आदृतम आनीतम, वह जो है जो कुछ भी लाया गया बड़ा आदर से लाया गया है, खिलाया जा रहा है, आनीतम आदृत आदृतम आनीतम आतिथ्यम सर्वकामिक सर्वकामिक सकल कामना को पूरा करने वाला, उसे को अशित्वा तृप्तात्मा तृप्त अंतकरण वाला चित्त वाला होकर के नृपतिम प्रति आह, नृपति को बड़ा आदर पूरा असाधारण नृपतिम प्राह, आदर के साथ राजा पर अमरीश ने कहा क्या, भुज्यताम बाप भोजन कीजिए, प्रीतोस्मि अनुगृहीतोस्मि तव भागवतस्य वही दर्शन स्पर्शन आलापैर आतिथ्येनात्मेधसा, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, केवल प्रसन्न ही नहीं मैं तो महान अनुग्रहित हो गया हूँ तुम्हारे जैसे भगवान के परम भक्त का दर्शन स्पर्शन आलाप और आतिथ्य तक मिल गया आत्मेधसा, और आपके महान जो है विवेचन की बुद्धि का जो सामर्थ्य है उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। कर्मावदातम मे तत्व गायन्ति स्वस्त्रियो पुहुः कीर्तिम परम पुण्यांच कीर्तिष्यति भूरियम। तुम्हारा कर्मावदातम मे तत्व, तुम्हारी यह दिव्य जो विशुद्ध जो कर्म है ना, इसको स्वर्ग की स्त्रियां भी गायन करती रहेंगी, तुम्हारी यह पर पुण्य कीर्ति को यह पृथ्वी पर भी सदा लोग गाते रहेंगे, ऐसे जो आशीर्वाद दे करके चले गए नित्य यश प्रदान करके, सापेक्ष नित्यता यावत त्रिलोक है तावत काल पर्यंत तुम्हारा गुणगान इस संसार में होते रहेगा,
ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए। शेष को वाच सुखदेव महाराज कहते हैं, एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासः परिदोषितः ययौ विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम् अहैतुकम्। आमंत्र्य दुर्वासा महर्षि राजा से अनुमोदन लेकर के एवं संकीर्ति, इस प्रकार से राजा की संस्तुति भी किया, परितोषित अत्यंत प्रसन्न, सभी ओर से सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न जो दुर्वासा महर्षि आकाश मार्ग से विहाय सा जो है ब्रह्मलोकम अहैतुकम ययौ, अहैतुकी ब्रह्मलोक में चले गए। बड़ा विलक्षण वाद्य को विशेषण, अहैतुकम ब्रह्मलोकम, ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक वही हो सकता है। ब्रह्मा जी का लोक भी सकारण है, अकारण नहीं। जो ब्रह्मा जी का लोक है ब्रह्मणा लोक नहीं ले सकते, क्योंकि वो सकारण है, अकारण वाला नहीं है वो। अकारण रूपा कौन है? शुद्ध ब्रह्म ही, अर्थात वो अपने स्वरूप में लीन हो गए, वे अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये अर्थ हुआ ब्रह्मलोकम अहैतुकम, जो शुष्क तर्क निष्ठा वेद बहिर्मुख लोगों के द्वारा कभी प्रापणी नहीं है, न विद्यन्ते यादृशम लोकम तादृशम लोकम अहैतुकम लोकम। अतः ब्रह्म एव लोक इति ब्रह्म लोक लेना पड़ेगा, ब्रह्मणः लोक इति ब्रह्म लोक नहीं ले सकते। अब वही श्लोक आ गया, देखा संवत्सरत्यगात्तावत् यावतान्नागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। सुखदेव महाराज कहते हैं, जानते हैं बड़ा रहस्य, वहां तो नहीं बात थी ना, रहस्य को खोल रहे हैं, कितना समय लगा दुर्वासा को इस सुदर्शन से प्रताड़ित होकर, कितने समय तक वो प्रयास किया इसे बचने के लिए, वो पूरा समय एक साल था। संवत्सर वत्यगतावत् एक साल बीत गया है, यावत गतो मुनि नागत, जो गया हुआ मुनि लौट के नहीं आया था। तद दर्शन आकांक्षो राजा, लेकिन उस दुर्वासा मुनि की दर्शन की आकांक्षा से राजा जो ना अपभक्ष सन्नभ हुआ, जल को खाते पीते ही रह गया था। गते च दुर्वास सोमरीश द्विजोपयोगात पवित्र माहरत विषय विमोक्षम व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्वीर्यं च परानुभावम्। गते च दुर्वास सोमरीश, दुर्वासा का चले जाने के बाद वह अम्बरीश द्विज उपयोगाति पवित्र माहरत, द्विज के उपयोगी अत्यंत पवित्र पदार्थों को जो ना उसने आहरण किया, इकट्ठा कर ली, उसको भी मौका मिल गया, साल भर समय मिला सब मालटाल इकट्ठा करने को, कि एक भंडारा देने को, और एक ब्राह्मण को भंडारा दे रहे, एक ब्राह्मण को एक वक्त का भंडारा देने के लिए साल भर उत्कृष्ट सामग्रियों को इकट्ठा किया, एकदम सात्विक, जिस समय जो फल लगना है उसी फल को तोड़ के सुरक्षित, जिस समय जो धान होनी है, जैसे है ना कोई भी समय काट लिया, कोई समय कर लिया, आजकल ऐसे होता है असमय में सब तोड़ दिया जा रहा है, नहीं, हर चीज जिस ऋतु में जो होना है उसी से जो हुआ उसी समय उसी चीज को इकट्ठा किया, अविधि पूर्वक नहीं, सब सविधि पूर्वक सब संग्रह किया, कि जो है दुर्वासा महर्षि आएंगे हम उनको खिलाएंगे, यही भाव से वो संग्रह करते रहा। आहारत द्विज उपयोगाति पवित्रम आहार, अति पवित्र पदार्थों को उसने आहरण किया, भोजन न अति पवित्रम आहार बुभुजे, अथवा ऐसा भी द्विजस्य उपयोगे न, द्विज का द्वारा उपयोग करने के द्वारा जो अतिशेषित है वो अत्यंत पवित्र है, उसको उसने आहरत मैंने उसको उसने उपभोग किया। उनको पहले से पता था दुर्वासा जी आएंगे, क्यों नहीं, भाई सुदर्शन भगा के ले गया है, वो तो वैसे भी ज्ञानी पुरुष है, उसको क्यों नहीं मालूम होगा, हर चीज मालूम है उसको, वो देखा सुन चक्र उसका पीछा किया हुआ है, पता है कि जरूर आएगा ही। एक साल तो जो जिस वक्त वो नहीं है उसी वक्त इन्होंने इकट्ठा करके रखे, हाँ उसी वक्त सब इकट्ठा, हाँ यार भोजन तो किया नहीं खुद, अन्य क्या भक्ष बोल दिया उसको, केवल जल पी के रहता रहा साल भर, और सारा उत्कृष्ट सामग्री इकट्ठा किया, और उनके उपयोग करने के बाद जो प्रसाद में बचा उसे उसने पाया। ऋषेर मोक्षम व्यसनंच बुद्ध्वा, आ गया ना वही श्लोक में ही है आपका प्रश्न का जवाब, ऋषि का व्यसन और मोक्ष दोनों को जान करके,
उसी श्लोक में जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्नों का। ऋषेर विमोक्षम व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। वह अपना सामर्थ्य को और परमात्मा के जो महान सामर्थ्य को वह मानने लगा, सचमुच में महान है परमात्मा। कि जैसे सुदर्शन पीछा पड़ गया ना, उसी समय अम्बरीश ने संकल्प कर लिया कि हे सुदर्शन भगवान, हे भगवान, इस हमारे अतिथि का कुछ भी बाल बांका नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो पाठ पढ़ाने पढ़ाओ, इसको इसके अहंकार तोड़ना चाहते तोड़ो तुम, उसे जा 10 साल लगाओ तेरी मर्जी, लेकिन इसका बाल बांका नहीं होनी चाहिए। मेरा अतिथि जिंदा वापस जैसा वैसे लौटना चाहिए। उसी का वो संकल्प है, वो सामर्थ्य था। स्ववीर्यंच, और भगवान जब भक्त की आवाज सुन लिया, उस परमात्मा के सामर्थ्य को भी परानुभावंच में, दोनों को सम्मान करने लगा। सचमुच में भगवान इतनी कृपालु है, हमारे अतिथि की रक्षा करके भेज दिया है। हाँ, बुबुझे आहरत की व्याख्या है ना, आहरत की व्याख्या क्या बुबुझे, इसलिए दोनों अर्थ है ना, एक तो द्विजस्य उपयोगे न भोजन है ना, और तृतीय तदनंतर द्विज के द्वारा भोजन करने के पश्चात अति पवित्र, पवित्र तो है ही, लेकिन आपने ब्राह्मण को भोजन खिलाया और जो बचा आपने खाया वो अति पवित्र भोजन हो गया, उसको अपने उपभोग किया, ये भी अर्थ मैंने इसलिए लिया। दोनों असंभव है ना, उसके लिए उसके उपयोग उपयोग है ना अति पवित्रम आहरत, उसके उपभोग करने के लिए ही उनकी उपभोजे, उनके लिए भी हो सकती है, अपने लिए भी हो सकती है। कि जो यज्ञ शिष्ट आवसंतो है ना, तो मान होता ही है, एक यज्ञ ही ये तो संपादन हो रहा है, इसलिए अत्यंत आवश्यक है। और संवत्सर अधिकरण न्याय मीमांसा में है, संवत्सर अधिकरण न्याय के अनुसार संवत्सर मतलब एक दिन होता है। हजार वर्ष याग किया, हजार वर्ष का मतलब क्या है, हजार दिन याग किया। जमीनी न्याय मला पढ़ा है तो उसमें है संवत्सर अधिकरण, जमीनी सूत्रों का संवत्सर अधिकरण न्याय, एक संवत्सर का मतलब है पूरा 24 घंटा बीत गया, ऐसा भी अर्थ ले सकते। 24 घंटे के अंदर उसने क्या किया, आहरण किया, क्या राजा है समर्थ पुरुष, उसको क्या कमी है, आदेश दिया सविधि पूर्वक घर उसको प्राप्त कर लिया। वो भी वायु मार्ग से व्यायसागत हो, आकाश मार्ग से, वायु नहीं आकाश मार्ग, व्यायसा आकाश है, और आकाश क्या है, पर हार्द आकाश और कुछ नहीं, आते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गया, नहीं तो ब्रह्मलोक कहाँ है, इसलिए अंदर ही घूमते रहे और अंत में ब्रह्मलोक में पहुंच गए हार्दाकाश। और कद एवं विधान्य विधाने के गुण राजा परात्म ब्रह्मणि वासुदेव क्रिया कलाप समवाह भक्तिम या अविरिंचन निरयांश्चकार, या अविरिंचात निरयांश्चकार, जिसने ब्रह्मलोक पर्यंत सकल लोगों को नरक के सदृश माने लगा। अम्बरीश ने जो है ब्रह्मलोक पर्यंत सकल लोगों को नरक दृष्टिया देखता था, किसी चीज को चाहता ही नहीं था। जैसे आप नरक को नहीं चाहते हो, वो ब्रह्मलोक को ही नरक तुल्य मान लिया और उसे भी नहीं चाहता। एवं विध अनेक गुण सराज, इस प्रकार अनेकों गुणों वाला वह राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे, परात्ता जो ब्रह्म है वासुदेव है, अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा भक्तिम सम्यक प्रकार वाह भक्ति को सम्यक प्रकार ने संपादन करने लगा, जिसके द्वारा यया भक्तिया, जिस भक्ति के कारण से आविरिंचा निर्यांश कार समस्त विरिंच बने ब्रह्मा जी का लोक पर्यंत समस्त लोकों को भी उन्होंने निर्यांश कार अर्थात निरय के तुल्य उसने दृष्टि करने लगा। अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यम समान शीलेश विसृज्य धीर वनम विवेशात निवासुदेवे मनोदध्वस्त गुण प्रवाह। उसके अनंतर अम्बरीश ने क्या किया, अपने राज्य को अपने संतान के ऊपर भार पर सौंप दिया। कैसे संतान है वो, समान शीलेश समान स्वभाव वाले संतान पर राज्य को विसृज्य वह धीर अम्बरीश ने, धीर अम्बरीश ने क्या किया, वनम विवेश भजन मार्ग में प्रवेश करके पूर्ण रूपेण समस्त अधिभारों को त्याग करके
जो राज्य को संभालने का भार था उसे त्याग दिया और भजन में पूर्ण रूप में लीन हो गया, ऐसा लय हो गया कि वासुदेव आत्मनी स्वात्व से अभिन्न वासुदेव परमात्मा ने मन को धारण करता हुआ ध्वस्त गुण प्रवाह, ये गुण प्रवाह जो त्रिगुणात्मक गुण प्रवाह था इसको ध्वस्त करके विद्यमान रह गया। विशेषण अम्बरीश का सधीर ध्वस्त गुण प्रवाह ध्वस्ता गुण प्रवाह ध्वस्त गुण प्रवाह यस्य स ध्वस्त गुण प्रवाह इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपतेः संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत् इत्येतत् पुण्यमाख्यानम्। यह जो पुण्य कथा है अम्बरीश की, राजा अम्बरीश का जो कथा, वह कथा को संकीर्तन गाता हुआ अनुध्यान चिंतन करता हुआ जो कोई भक्त होता है वह भगवान ही हो जाता है। अनुध्यान सा भगवतो भक्तो भवे, भगवान का भक्त हो जाता है अर्थात भगवान ही हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा वो, जैसे खुद हुआ अम्बरीश उसी प्रकार वो भी हो जाएगा। अच्छा अब अगला आगे बढ़ाते हैं। ये अम्बरीश के संतान कौन कौन थे मुख्य वंश को आगे बढ़ाते हुए कथन कर रहे हैं। श्री शुक उवाच विरूपकेतुमांशंभूर अम्बरीश सुतास्त्रय विरूपत्रिशदश्वभूत तत्पुत्रस्तु रथीतर रथीतरस्य प्रजस्य भार्यायं तन्तवे अर्थितः अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान। इस अम्बरीश का तीन प्रमुख पुत्र हुए, एक का नाम विरूप है, दूसरा केतुमान, तीसरा शंभो। विरूपत प्रषदश्व, विरूप से जो है प्रषदश्व पैदा हुआ, और अब तत्पुत्रस्तु उस प्रषदश्व का पुत्र हुआ रथितर, लेकिन रथितर अप्रजिता संतानहीन था, इसलिए उसने क्या किया, वही वैदिक सिद्धांत है, शास्त्रों में नियम है, आप गोद भी ले सकते हैं, सवर्णी सप्त गोत्री के भीतर वाला किस संतान को गोद लिया जा सकता है, यानी कि जिस किसी जाति को खरीद लिया आजकल चलता है, वो पहाड़ी पर जोड़ते आती है बच्चा पैदा कर देती है, उसको 500 रुपए दे तुम्हारा बच्चा मर गया बोल दिया, डॉक्टर 500 रुपए उसको किसको बेच दिया, ऐसा हालत हो रहा है। अब उसको किसी और के मरा हुआ बच्चा उसको पकड़ा दिया, तेरा बच्चा है मर गया तेरा बच्चा, ऐसे ऐसे चल रहे न जात रहा पात रहे, देखना इस तरह से खरीद लिया बच्चे को तो थोड़े बड़े हो जाएगा, अरे संस्कार वासना उसी पर तो निर्भर ना, किस खेती में पैदा हुआ कौन सा बीज था, वो भगवान ने अपने गुण कर्म के अनुसार आपको विभिन्न जन ब्राह्मण क्षेत्र विशुद्ध में जन्म दिया, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बच्चे का ही जो गोद में लो, अभी गोत्रादि को भी देखो ध्यान रखो ताकि जो वैसे ही बच्चे को ग्रहण करे ताकि सुयोग्य हो जाए आपके अनुकूल हो जाए वो, जैसे आप शिक्षा संस्कार देना चाहते वैसे हो जाएगा। जिन्हें थे ऋषिकेश में डॉक्टर कोहली, उसके कोई संतान नहीं थे, ऐसे ही खरीद लिया उसने, अब बहुत कोशिश किया उसको पढ़ाओ लिखाओ खूब बढ़िया बनाओ, दिमाग कहाँ है, है? वो बदलते रहे क्या करेगा, लेकिन अपने अनुकूल तो बन नहीं पा रहा है ना, वो चाहता अपने अनुकूल हो वो भी डॉक्टर बने, अरे डॉक्टर बने तो अक्ल वाले बच्चे को तो लाओ ना कहीं से, अब ऐसे खरीदने से थोड़ा मिल जाएगा, लो क्वालिटी माल खरीदो और सुपर क्वालिटी चीज बनाना चाहते हो कैसे होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसीलिए रथीतर ने सोचा भाई हमारे खेती में हम जो बीज बो रहे हो बीज निष्फल जा रहा है, खेती में दोष है या बीज में दोष, ध्यान किया तो देखा बीज में दोष है, इसलिए उसने खेती को दूसरे को सौंप दिया, अंगिरस महर्षि से निवेदन किया आप मेरे खेती में बच्चे को जन्म दीजिए, और अंगिरस महर्षि ने उसके पत्र से संबंध करके संतान पैदा किया, और स्वस्थ उत्कृष्ट था वो, रथीधर क्या है क्षत्रिय, अंगिरस महर्षि ब्राह्मण है, स्व उत्कृष्ट वर्ण को लिया, इसीलिए उत्कृष्ट कोटि का बीज डालो खेती में तब होगा, अतएव क्षत्रिय विशिष्ट ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रित्व भी रहा क्यों क्षत्राणी है, खेती का धर्म क्षत्रियत्व है और बीज का धर्म ब्राह्मणत्व, दोनों से विशेष आगे कहते हैं एते, और अंगिरा जनयामास
ब्रह्म वर्चस्वी सुतान, अंगिरा ने उत्पन्न किया ब्रह्म वर्चस्वी पुत्रों को। वो पुत्र कैसे हैं? एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्तु आंगिरसा स्मृता प्रतीतराणाम प्रवरा क्षत्रोपेता द्विजातयः। क्षत्रोपेत द्विजाति है ये, क्षत्रयुक्त ब्राह्मण है ये। इसलिए उनका दोनों गोत्र हो गया, राथीतर गोत्र भी हो गए ये लोग और आंगिरस गोत्र भी कहे जाएंगे। क्षेत्र संबंध को लेकर के राथीतर गोत्र हैं और बीज संबंध को लेकर के आंगिरस गोत्र वाले हो गए। स्मृति ने सिया इसमें सांकरणी है, क्योंकि इसको स्वीकार किया गया है। यहां पर जो विवाह हुआ क्या, अंग्रेस महर्षि का राथितर के पुत्र से विवाह हुआ? नहीं हुआ। तंतव्य आर्तिता शब्दावली क्या था? पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना किया कि आप बीज बोइए, बस वर्ण संघ इसलिए नहीं। इतने में उस स्त्री को पति नहीं हुआ है, बीज खरीदा गया है लेकिन मालिक नहीं। जैसे आपका अपना खेती है, आपकी खेती को दूसरे को आपने करने कहने गए, आप जो उस खेती को कीजिएगा तो किया उस खेती को मालिक हो जाएगा कि आप मालिक रहोगे? मालिक तो आप ही हैं। आजकल तो बटाई में बांटते हैं खेती, बटाई पर बोलते हैं इसको, बटाई पर दे देना। जब आप बटाई पे देते हो तो आप मालिक आप ही तो रहोगे कि दूसरा हो जाएगा कि उसने किया इसीलिए वो हो जाएगा? नहीं, मालिक आप ही। उसी प्रकार यहाँ पर हाँ, यदि उसके साथ विवाह करा दिए होते वो इसे जो है डाइवोर्स कर जाती, अरे तेरे से पुत्र नहीं रहा, मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, तुम्हारा मेरा कोई मतलब, मैं उसे साथ फेरी ले लेता हूँ, तब वो पति हो जाता, तब जन विवरण विवाह हुआ तो वर्ण सांकर तब पैदा होगा। इसको वर्ण सांकर से नहीं कहा गया, ये असंतान पक्ष मात्र में स्वीकृत है। ये तीन तरीका बताया गया है, जिसको संतान नहीं है संतान चाहेगा। एक तरीका तो है जो अपने पत्री को में दूसरे को बुला करके, जैसे वेद व्यास जी को बुला के कराया था वहां पर भी तीनों के साथ एक अंधा पैदा हुआ, सब है ना कहानी पांडु और जो है विदुर। ये एक तरीका है, ये उत्कृष्ट तरीका माना गया, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्ववर्ण समान या सोत्कृष्ट वर्ण वाले को बुला करके उसे बीजारोपण करा देना। दूसरी तरीका नहीं है तो स्व संबंधी जो है, जैसे आदमी का अपना भाई है, बड़ा भाई है, उसे प्रार्थना कर लिया भैया भाभी से कि आप जो है मेरे लिए ही संतान पैदा करें, मेरे लिए आप संबंध करेंगे और जो पैदा होगा लड़का लड़की वो हमारा है। ये दूसरी तरीका है स्व संबंधी, अतः स्व पत्नी संबंधी भी हो सकता है, पत्नी के भाई पत्नी का जो है बहन उनसे निवेदन कर लिया कि आप मेरे लिए पैदा करके देंगे, वो समवर्णी पैदा हो जाता है और निकृष्ट है अन्य से बिना निवेदन के, अन्य में पैदा हो गया पता चल गया वहां पैदा हो गया, जाकर ले आए मांग लिया उससे गोद ले लिया। ये तीन प्रक्रिया है, तीन में अत्यंत निकृष्ट वह है जब बिना पहले निवेदन का बिना कुछ का बिना कोई संबंध का कहीं पैदा हो गया है उसको उठाकर दिया अपने लाए, उससे जाके प्रार्थना की, उठा चोरी करके नहीं लाए हैं, लेकिन पहले से प्रार्थना नहीं थी ना मेरे लिए आप बीजारोपण करेंगे, ये भाव तो था नहीं ना। इसे दो प्रकरण उत्कृष्ट माना गया और तीसरा पक्ष अत्यंत निकृष्ट माना गया। ये तीन तरीके से अपुत्रवान पुरुष पुत्र को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें भी सहमति पत्नी का होना अति आवश्यक है। बिना पत्नी का संग से गुपचुप से पत्नी को किसके साथ सुला दिया ऐसा नहीं, पत्नी की सहमति के साथ होगा तभी गोद पुत्र लेने का अधिकार बनता है। पुरुष स्वेच्छा पूर्वक गोद में नहीं ले सकता, गोद नहीं ले सकता है। मनुस्मृति विचार करने सारी चीजें विचार आया, मनुस्मृति विचार करके बताया है कैसे कैसे ली जा सकती है। इसलिए कोई वर्ण संकर भी नहीं है, क्षत्रोपेता ब्राह्मण इत्यर्थ। इस प्रकार से अम्बरीश के वंश की कथा पूरा कर दिया। अब एक रह गया था ना इक्ष्वाकु, दस पुत्रों में से एक पुत्र इक्ष्वाकु था, उस इक्ष्वाकु का कथन कथा आरंभ करने जा रहे। लेकिन इक्ष्वाकु के जन्म का ही एक बड़ा रहस्य पहले प्रकट नहीं हुआ, पहले सीधा कह दिया
दक्ष प्रजापति बने, मनु ने क्या किया अपनी पत्नी श्रद्धा ने हाँ, 10 पुत्रों को पैदा कर दिया, ऐसा कह दिया था, इसके विरुद्ध बोलेंगे। पत्नी में बीज बोकर पैदा नहीं किया है, कैसे? श्वतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर घ्राणत सुतः तस्य पुत्र शतज्येष्ठा विकुक्षी निमिदंडका। श्वतस्तु मनोह, मनु महाराज छींक रहे थे, मनु महाराज छींक रहे थे, उनका छींक से निकल पड़ा इक्ष्वाकुर, छींक से पैदा हुआ इक्ष्वाकुर। घ्राणतः सुतः जज्जे, इसलिए घ्राण से सुत उत्पन्न हुआ है, पत्नी का गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसे क्यों हुआ, ये भी तो आश्चर्य है। छींक और कोई चीज पैदा हो जाए और बालक बन के सामने खड़े हो जाए, जैसे ब्रह्मा जी जो है थोड़ा सा श्वास छोड़े सूर्य निकला वरा अवतार, हुआ था कि नहीं हुआ था, श्वास से हुआ। वो सोचने लगे गर्म श्वास छोड़े क्या उपाय किया जाए, वो चिंता के कारण से गर्म श्वास निकले, वो गर्म श्वास ही बाहर में वराह बन गया, उसका भी अर्थ बता दिया था। वरम यत वांछितम तद आहित वराह। यहां पर भी श्वतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर घ्राणत सुतः, श्वतः मनोह, छींकता हुआ मनु का घ्राण इंद्रिय से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। यहां इसलिए विचार है, पहले तो आपने कहा था श्रद्धा से 200 पैदा हुए और यहां तो करे हो नाक से निकल गया एक, कहते बात से पूर्वोत्तर कोई विरोध नहीं है, 9 तो श्रद्धा से पैदा हुए थे ना, इसलिए बहुसंख्या के साथ इसको भी साथ में बोल दिया, इतना ही तात्पर्य। तत्र पुत्र शत ज्येष्ठा विकुक्षी निमी दंडका, और उस इक्ष्वाकु का 100 पुत्र है, पुत्र शत ज्येष्ठा 100 पुत्र, सब महान लोग, एक का नाम विकुक्षी, दूसरा निमी, तीसरा दंडको, इत्यादि अनेक लोग। इसका तात्पर्य समझना है ना थोड़ा, कि भाई क्यों ऐसा बता रहे हैं इक्ष्वाकु के जन्म के बारे में, और इक्ष्वाकु है क्या चीज, और से ग्रहण इंद्र से क्या संबंध, और मनु का छींकना, छींके बिना क्यों नहीं निकला नाक से, जैसे वो श्वास से निकल गया जैसे भी निकल जाता है, छींकने की जरूरत क्या पड़ी, छींकने पर आ रहा है। अब यहां की शब्दावली को देख, क्षुवत, क्षुवतस्तु, क्षु धातु है, उसे क्षत्रिय प्रत्यय क्षुवत, क्षुवत बना, क्षुवता बना दिया, क्षु धातु होता है क्षोधातु, क्षुधातु अर्थ के अनुसार विचार करते हैं आप, जिस व्यक्ति के अंदर क्षोध हो गया, किंचित विकार आ गया, विकार पैदा हुआ, विकार पैदा होने से क्या होता है, कुछ न कुछ उत्पन्न जरूर होता है, अविकार्य में कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, विकार का नाम ही उत्पत्ति है, विकार का नाम ही उत्पत्ति होता है, और शुद्ध धातु या विकार का द्योतक, मनु का विकार हुआ, मनोर विकार ही कहते, विकार से विशिष्ट मनु से उत्पन्न हुआ चीज, अर्थात क्या की दृष्टि विकार लेना है यहां पर, अर्थ वही है, काम रूपी विकार से विकृत मनु था, काम रूपी विकार से विकृत मनु था, और मनु भी यहां मननात्म मनु, काम रूपी विकार का मनन करने वाला मनु था, और जब काम विकार का मनन किया उसने तब क्या हुआ, काम के कारण से संतान तो होना ही था, लेकिन संतान कैसे हुआ, घ्राणत हो, घ्राण से हुआ, घ्राण क्या चीज है, गंधन इंद्रिय, पृथ्वी प्रधान, तात्पर्य यहां क्या, पृथ्वी से पैदा हुआ, पृथ्वी प्रधान तत्व को पैदा किया उसने, जब काम रूपी विकार से विशिष्ट होकर कामना का ही मनन करने लगा मनु, तब उसके अंदर पृथ्वी प्रधान तत्व अर्थात पृथ्वी पति होने लायक संतान के उत्पत्ति,
ऐसा पृथ्वीपति जिसके कारण से इक्ष्वाकु वंश की प्रसिद्धि हो गई। बहुत अन्य राजा हुए और गए, उनका नाम नहीं। दक्ष के मनु के अन्य पुत्र भी है, उनका भी इतना नाम नहीं हुआ जितना इक्ष्वाकु का। इक्ष्वाकु वंश तो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें राम आदि भी पैदा हुए, वे साधारण थोड़ी वंश है। ऐसे इक्ष्वाकु का जन्म दिया है, अतः कहते पृथ्वी प्रधानता में पृथ्वीपति प्राधान्यता, पृथ्वी पतित्व प्राधान्य से युक्त जो है ना इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, ये उसका तात्पर्य। अतः जब इक्ष्वाकु का जन्म श्रद्धा में पैदा करना चाहते थे, तब उनके अंदर केवल कामवासना नहीं थी, अन्य नौ पुत्रोत्पत्ति में कामावेश भले कर लिया इन्होंने, या काम आवेश के साथ स्वरूप का मनन भी था। आते वह प्रतिपत्ति होने लायक एक विशिष्ट राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, या तत्वों का निर्देश किया है संक्षेप में। शुभता विकार का वाचक है, मनु मनन विशिष्ट मनु का वाचक है, और घ्राण इंद्रिय प्रतिपतित्व का वाचक है। यदा पार्थिव सगल गंधों को ग्रहण करने का स्वामी घ्राण इंद्रिय होता है, अतः पृथ्वी का गुण जो गंध है उसको ग्रहण करने वाला जो घ्राण इंद्र क्या है, पृथ्वी का पति है। अतः घ्राण तक गण से पृथ्वी पतित्व का द्योतन हो गया, ऐसा राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ ही अर्थ निकला, जिसका पुत्र शतज ज्येष्ठा विकुक्षी निमिदंड का हत्या तेषां प्रस्ताद तद भवन अभवन आर्यावर्ते नृप नृप पंचविंशति पश्चाच्च त्रयो मध्ये परन्यतः तेषां प्रस्ताद, और उन 100 में से उसने बंटवारा कर दी, अलग अलग दिशाओं में भेज दिया पुत्रों को, पश्चिम दिशा को भेज दिया 25 पुत्रों को, हेन्द्र हेन्द्र पर परीक्षित सुनो, आर्यावर्त देश में 25 लोगों 25 पुत्रों को पश्चात मैंने पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया, और कहा कि पश्चिम दिशा की जो है उसको 25 भागों में बांट करके उन छोटे छोटे राज्य बना करके उन सबका राजा बना दिया। त्रयो मध्य पर अन्यतः, तीन को मध्य में, मध्य भारत में तीन भाग, तीन लोग भाग में बंटवारा करके तीन पुत्रों को वहां नियुक्त कर दिया। परे अन्यतः, और पूर्व दिशा में दूसरे, एकदा अष्टका श्राद्ध इत्यादि से पहले अन्यों को भी कहां का बिठाया वो भी दिखा रहे, देखो मध्य तो ज्येष्ठास्त्रय, अपरे तो अन्य तो दक्षिणोत्तरादिशु इत्यर्थ, दक्षिण दिशा को 25 को भेज दिया, उत्तर दिशा को 25 भेज दिया, पश्चिम को भेजो 25 दिया 75 हो गया, तीन अलग कर दीजिए, उनके बीच 22 बच गए, उनको पूर्व दिशा में समझ लेना। इस प्रकार से पूरे 100 बच्चों को विभिन्न जगहों में भेज करके विभिन्न क्षेत्रों में उनको अधिपति बना करके बिठा दिया। सेकदाष्टका श्राद्ध इक्ष्वाकु सुतमा अधिशत मांस मानीयता मेध्यम विकोक्षे गच्छमाचिरम। से एकदाष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकु सुतम आदिशत, अष्टका श्राद्ध कर्म करना चाहता था। अष्टका श्राद्ध कहते हैं सप्तमी के शुरू होता है मार्गशीर्ष मास का, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का नहीं, हाँ शुक्ल, हाँ शुक्ल पक्ष का सप्तमी से आरंभ करके नवमी तक तीन दिनों में होने वाला एक विशेष कर्म का नाम है अष्टका श्राद्ध। ये पितरों का श्राद्ध नहीं समझ रहा, एक अलग कर्म है, तो उस कर्म को अष्टका श्राद्ध कर रहे हैं। उस कर्म को वशिष्ठ से कराने के लिए वह इक्ष्वाकु को संकल्प प्राप्त हो गया, वह उसने अपने पुत्र को आदेश दिया हमारे इस कर्म के योग्य मांसों को ले आओ जंगल से। मांसम आनीयता मेध्यम मने यज्ञियम, हे विकुक्ष संबोधन कर रहे हैं, सबसे बड़ा पुत्र जो विकुक्षी है उसको संबोधन करके, हे विकुक्ष जाओ ले आओ मां चिरम, मां प्रति चिरम आग गच्छा, और चिरम गज मैंने शीघ्र ही जाओ, और जल्दी से जल्दी मेरे लिए यज्ञ जो है मांसों को ले आओ। तथेति सवनंगत्ता मृगान हत्ता क्रियाहरणाम श्रांत भुक्षितो वीर शशंचा ददत तपस्मृति। बेचारा भूल गया मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, गया जरूर जंगल गया, उन मृगादियों को हनन करने लगा जो यज्ञ के योग्य हैं, उनके मांसों को इकट्ठा कर लिया, इन करते करते वो थक गया था,
श्रांत भुक्षित थका भी है, अतः थकने के बाद अपने विवेक डाउन हो जाता है और भूख बढ़ जाए और विवेक खत्म ही हो जाता है, अपस्मृति ही उसको श्रुति स्मृति सब भूल गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूंगा, इसे क्या होगा इस अन्न का सोचा भी नहीं, और उसने एक खरगोश का जो मांस को उसने खा लिया। शशम च आदत, आदत मैंने अपक्षयत इत्यर्थ, खा लिया। शेषम निवेदया मास पित्रेत्येन चतुर्गुरुहो चोदित प्रोक्षणायाः दुष्टम एतद्य कर्मकम्। वो तो झूठा हो गया ना, वो तो झूठा हो गया। लोग लाते हैं इसे है? चावल ला रहे हैं, चीनी ला रहे हैं, पूं खांक लेते हैं थोड़ा सा खा लेते हैं, वो सारा मांस झूठा हो गया। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार पूरा चीज झूठा हो गया। इसने मांस सब इकट्ठा की थी, उसमें से एक टुकड़ा खाया है भूख के कारण से, और ला के पिता को दिया, पिता को क्या मालूम इसने इसे किया है, उसे तो मालूम नहीं। ठीक है महाराज, वशिष्ठ जी को सौंप दिया, कहीं चलिए यज्ञ कीजिए। जब उसको प्रोक्षण करके पवित्र करने लगे तब वो देखते तो पवित्र हो ही नहीं रहा, तो समझ गए तो दोष दूषित हो चुका है, झूठा हो गया है। महापुरुष तो समझ गए ना, नहीं तो क्या पता चलता झूठा है या झूठा है। आजकल लोगों तो पता है चलेगा ही नहीं वो पूरी पकाया, पकाने के उसमें से किनारे निकाल के खा लिया, देखा कच्चा ही या नहीं, गुरु जो खिलाना है। गुरु जी ने कैसे महाराज, वो तो चिमटा उसे उठाया ना मैंने, वो टूट गया था। अब गुरु जी क्या कहे, चलो बेटा कोई बात नहीं, उन्हें क्या मालूम झूठा खिलाया। आज के लोगों में सामर्थ्य है नहीं वस्तु के गुण दोष को परखने का। उस जमा वशिष्ठ जी का दृष्टि ऐसा नहीं था, सामर्थ्य था, इसने देख लिया इसमें दोष है। चोरी तेन चत गुरु हो और पित्रे निवेदे मांस शेषम, बाकी सारा मांस को पिता के पास ला करके प्रदान कर दिया। तेन च और पित्रा च तद गुरु चोरी था, उनका गुरु वशिष्ठ जी को प्रेरणा दी गई तो प्रोक्षण आय, प्रोक्षण देने जो प्रेरित किया वो आह वशिष्ठ जी कहते दुष्टम में तद अकर्म का, अरे दोष दूषित हो गया है, यह कर्म करने योग्य अब नहीं रह गया। अब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया वे कौन कैसे दोष है, क्या दोष हुआ है। उन्होंने राजा को बता दिया इक्ष्वाकु को, आपके पुत्र ने इस तरह से इसमें से खा लिया है। जब जान लिया बड़ा दुखी हो गया इक्ष्वाकु, ज्ञाता पुत्र से तत् कर्म गुरुणाभीत नृप देश निस्सारया मास सुतम त्यक्त विधि मृषा, जिसने विधि को त्याग कर इस प्रकार से लाया है क्रोध में आकर के उसको देश से बाहर निष्कासित कर दिया। पुत्र का उस कर्म को गुरु से अभिहित होने पर जान लिया हुआ इक्ष्वाकु नामक राजा ने सुतम देशात निस्सार मास पुत्र को देश निकाल दिया। त्यक्त विधिम सुतम, जिसे अपस्मृति से कहते ना, विधि को विस्मृत होकर के विधि विरुद्ध में चलता हुआ खाया, अतएव जो है वो जो क्रोध में आकर उसको निकाल दिया और स्वयं भी विरक्त हो गए। कहने लगे भाई क्या करना, ऐसे जिंदगी जी के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र इतना गड़बड़ कर सकता है, अन्य पुत्रों से क्या आकांक्षा करो। सत विप्रेण संवादम जापके न समाचरन त्यक्ता कलेवरम योगी सत्यन अवापयत परम। सत विप्रेण संवादम जाप के न विप्रेणा, जो उस समय जपादी करने के लिए विशिष्ट रूप में वर्ण कर लिया गया पविप्रभुता वशिष्ठ के साथ विचार विमर्श किया, संवादम कृत्वा समाचरण मने सम्यक प्रकार से चिंतन करके मंत्र आदि को प्राप्त कर लिया ओम आदि, और वहां से चला गया जंगल जाकर ध्यान चिंतन करता। महान वह योगी ने कलेवरम त्यक्ता अपने शरीर को त्याग दिया, यत परम सैव तेन अवाप स तेन साधनेन तत् परम तदेव अवाप, जो पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है सुस्वरूप है उसको उसने प्राप्त कर लिया। इधर पितरि परते अभ्येत्य विकुक्षी पृथ्वी मीमां शासदीजे हरिं यज्ञ शशादैति विश्रुतः।
कहा थे देखो सत कहते जब उसके बाद जब देखा पिताजी चले खबर मिला तो विकुक्षी लौट के आया। हाँ आगे लौट अब भेत्य वापस लौट गया पितरे ऊपर रहते विकुक्षी ही अभ्येत्य इमाम पृथ्वीम शासत इस पृथ्वी को जो शासन करने लगा हरिंच यज्ञ ही ये इन यज्ञों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगा शशास इति विश्वं कहा इस प्रकार से वह शासन करता था ऐसे लोगों से हमने सुना है ऐसे सुखदेव महाराज कह रहे हैं। पुरंजयस्तस्य सुता इंद्रवाह इति रितः ककुत्स्थ इति चाप्युक्त श्रृणु नामानि कर्मभिः और उसका एक पुत्र हुआ जिसका तीन नाम हुए दुनिया में कर्म के कारण उसका नाम उसका असली नाम क्या था भगवान जी ने क्या क्या नामकरण किया लेकिन उसके कर्म के कारण से विकुक्षी का पुत्र का तीन नाम हो गया एक नाम पुरंजय दूसरा नाम जो है इंद्रवाह तीसरा नाम ककुत्स्थ ये तीन नाम वाला हो गया इति चाप्युक्त सुता तस्य आसीत ऐसा उसका तीन नामों वाला एक पुत्र हुआ जो कि नाम कैसे हुए कर्म भी नामानी कर्मों से नाम प्राप्त हुआ श्रृणु इसके बारे में सुनो क्या कर्म किया क्यों इसके तीन नाम हो गए कृतांतासित समरो देवानं सहदान वही पाष्ट ग्राहो वृतो वीरो देवैर दैत्य पराजित कहते दैत्य कृतांत कृतयुग का अंत में महान या जो है युद्ध छिड़ा देवताओं का दानवों के साथ पार्ष्टिक ग्रहो वृतो वीरो पार्ष्टिक ग्रहो वीर व्रत के न देवै ही दैत्य पराजित ही दैत्यों से पराजय को प्राप्त किया देवताओं के द्वारा पार्ष्ट ग्रह इस वीर को जो ना वरण कर लिया गया है ताने वे चक्षण हाँ ठीक है कृतम ने विश्वम अंतयति इति तथा कृत इस विश्व को अंत प्रदान करते वक्त पार्ष्ट ग्रह सहायः सहायता के लिए इस वीर भूता जो पुत्र था उसको देवताओं ने दैत्य से पराजित देवताओं ने वरण कर लिया वचना देव देवस्य विष्टोर विश्वातन प्रभो वानते व्रतस्तस्य भूवेन्द्र महावृष उसका नाम इंद्र भाई इसलिए पड़ा क्योंकि उसने शरत रखा भाई देखो इंद्र को बनना पड़ेगा सांड वृषभ बनना पड़ेगा और उस वृषभ पर मैं बैठ के चलूंगा तब मैं उसको जीत पाऊंगा असुरों को। अब इंद्र ने देखा अरे मेरे को तो भाई ये बना रहे ठीक नहीं है मेरे को कहते जब बना देगा सांड मेरे को सांड बना ले रहा है ये तो अनुचित है तो लेकिन क्या करे भगवान ने आदेश दिया तुम्हारा काम करना है तुमको बनना पड़ेगा तुमको काम से मतलब है क्या है चुपचाप बनो तो बन गया बेचारा इसे इंद्र बना वाहन जिसका उसका नाम इंद्रवाह दैत्यों के द्वारा छीना हुआ पुर को वापस जीत लिया इसलिए उसका नाम पुरंजय हो कुकुस्त क्यों भी बताएंगे वचना देव देवस है देवादि देवकुंड विष्णु भगवान उसके वचन के कारण से विष्णु वचन से विश्वात्मन विश्व रूपा उस विष्णु के देवादि देव के प्रभु का जो वचन के कारण से इंद्र बबुआ वाहनत्वेन व्रत वाहन के व्रत व इंद्र क्या कर दिया तस्य वाहन बब महावृषभ महावृष बन गया जब महावृष हो गया ससन्नद्ध धनुर्दिव्यम आदाय विशिकान सितान स्तूयमान समारुह्य युत्सुक ककुदि स्थितः ससन्नद्धो वह जना सन्नद्धो धनु वह अपना सारा जो पहन लिया कवच वगैरह और दिव्य धनुष कोली और मान वे विलक्षण बाणों को धारण कर लिया स्तूयमान सभी देवता से स्तुति करता उसको आगे बढ़ाए तो समारुह्य युत्सुक ककुदि स्थितः ककुद स्थित सन इसलिए ककुत्स्थ का नाम पड़ गया आगे ना वो सांड का भी कहां बैठा सांड के भी इधर उधर पीछे नहीं आगे नहीं ककुद स्थित ककुत पर बैठ करके चला आते उसका नाम ककुत्स्थ हो गया तीनों नाम इसी वजह से और इस प्रकार से जाकर के उसने दैत्यों को जीत लिया तेजसा प्यायितो विष्टो
पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्छां दिशि दैत्यानां निर्णत्रिदशैः पुरम् तेजसाप्यायत विष्टः। विष्णु ने अपना तेज के द्वारा, विष्णु कौन, परमात्मा जो परम पुरुष परमात्मा है, वह विष्णु ने अपना तेज के द्वारा उसको जो है पर जो अभिवृद्धि कर दिया था। अतः प्रतीच्छां दिशि दैत्यानां निर्णत, प्रतीक्षित दिशा में नरक आदियों में अतल वितल शीतल पाताल आदियों में इन दैत्यों को उसने ठोस दिया, भगा दिया सबको, वहां पर भगा करके त्रिदशी पुरम निर्णत स्वर्ग आदि लोकों को उसने अवरोध कर प्राप्त जीत लिया, इसलिए उसका नाम पुरंजय हो गया।